संघ के शिष्टाचार में पक रही भविष्य की सियासत। आरएसएस ने मुलायम और शरद को श्रद्धांजलि देकर यादव समाज को साधा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा ने भगवा खेमे के ध्रुव विरोधियों को भी श्रद्धांजलि देकर लोकसभा चुनाव से पहले भविष्य की राजनीति के संकेत दे दिए हैं। बैठक में सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी नेता रहे स्वर्गीय शरद यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सियासी पंडितों का मानना है कि संघ ने यह हरियाणा, यूपी और बिहार में यादव वोटों को साधने के लिए किया है। हरियाणा के पानीपत स्थित समालेखा में चल रही 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने श्रद्धांजलि के जिन 100 नेताओं के नाम पड़े उनमें मुलायम सिंह और शरद यादव को श्रद्धांजलि देकर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। दोनों ही नेताओं की राजनीति जीवन पर्यंत आरएसएस की खिलाफत के इर्द गिर्द घूमती रही। मुलायम सिंह ने तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। सपा सरकार के अयोध्या में कार सेवकों पर चली लाठियां और गोलियों के संघ के वैचारिक राजनीतिक संगठन भाजपा की ओर से आज भी चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने से संघ के 2 बड़े मुद्दे हल हो गए। 2024 और 25 में आरएसएस की शताब्दी वर्ष के मद्देनजर देश में भाजपा की सरकार होना संघ के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में संघ ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पिछड़े वर्ग में प्रभावशाली यादव वोट बैंक को साधने के लिए यह कदम उठाया है। राजनीतिक विश्लेषक रतन मणि लाल का मानना है कि आरएसएस ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। संघ ने संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही मुलायम सिंह और शरद यादव किसी भी राजनीतिक दल से रहे हों, लेकिन उनका सियासी कद बेहद कद्दावर था। हिंदी पट्टी में यादव जैसी मार्शल कौम का समर्थन मिल जाए तो इसका जबरदस्त लाभ हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार जेपी शुक्ला का मानना है कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद आरएसएस अपनी छवि में सुधार के लिए कई प्रयास कर रहा है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में मुलायम और शरद यादव को श्रद्धांजलि देना भी उसी का हिस्सा है। भाजपा बीते 5 वर्ष से भाजपा यादव वोट बैंक में पकड़ बनाने में जुटी है। मुलायम सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। पीएम मोदी ने भी उनके निधन के बाद उनसे जुड़ी यादों को ट्विटर पर साझा किया। इसके अलावा हरनाज सिंह यादव को पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया। सहकारिता के क्षेत्र में सपा नेता शिवपाल सिंह का पत्ता साफ करने के लिए पार्टी ने कभी उनके करीबी रहे संतराज यादव को ही चुना। संतराज यादव को सहकारिता में सक्रिय किया। आजमगढ़ को इटावा से कड़ा यादवों का गढ़ माना जाता है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा का दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को प्रत्याशी बनाने का प्रयोग सफल रहा। मुलायम परिवार के धर्मेंद्र यादव के सामने भाजपा के दिनेश लाल यादव कुछ हद तक यादव वोट खींचने में सफल रहे। इससे पहले भाजपा आजमगढ़ में रमाकांत यादव को उम्मीदवार बनाकर भी चुनाव जीत चुकी है। रामपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत को भी इसी रणनीति की आंशिक सफलता माना जाता है। मुलायम को सम्मान और अखिलेश परिवार। यादव समाज में अखिलेश यादव के विरोधी यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव को सम्मान दिया। वहीं भ्रष्टाचार, अपराध और परिवारवाद के मुद्दे पर अखिलेश पर लगातार वार किए।